अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ये है कि ये वाला सामने वाला अच्छे से देखिए कैसे पहचान रहे हैं। तीन खिड़की थी, इन तीन खिड़की से पहचान रहे हैं। क्या था इधर ताला था कि नहीं था? कहाँ? यहाँ पे था अतुल। फिर अंदर कौन जा रहा था? अंदर आपने नया डलवा लिया क्या? पुराना वाला जो फट गया था नया डलवाएगा? कब डलवाया शर्मा जी? आना शाम को खाने कितने बजे के आसपास है? कौन सा वाला है? ध्यान है तुम्हें अच्छे से? सही है घर में? इसमें बुलाओ जरा यार, यहाँ ताला लगा था कि नहीं? नहीं मतलब कहाँ से? इधर से चले थे, इधर से चले बना लो। ₹30 वाला रबड़ वाला जो पूरा ऐसा फंस जाता है, चिपक जाता है, जो लंबा सा आता है जी, ऐसे वैसा मार्क्स था। और क्या पहना था? टोपी पहना। टोपी कैसे ऐसी लगे जो निकल जाती ऐसी? ऐसी रबड़ की आता ऊपर क्या आती है जो आगे ऐसा निकली नहीं रहती है, जो सर्दियों में लगाते हैं ऐसी। जैसे सर्दी में गली में थी, मेन रोड पे थी, किधर गली? इधर आओ, इधर आओ, आगे आओ। कितनी गाड़ी खड़ी थी उस दिन? मई 2024 को तड़के करीब 5 बजे से लगा करके और 7 बजे के बीच में 2 घंटों के भीतर करीब 7 जगह चोरियां हुई थी, जिनमें से 4 चोरियां औद्योगिक थाना क्षेत्र में और 2 चोरियां सिविल लाइन थाना क्षेत्र में कंफर्म हुई थी। बाकी कुछ जगह ऐसे हैं कि जहां ताले तोड़े गए थे लेकिन चोरी नहीं हो पाई थी क्योंकि वो मकान में कुछ नहीं था। तो जिन 6 अपराधों में जो जाँच की गई थी उसमें 2 घटनास्थलों पे बहुत ही साफ साफ फुटेज आए थे, किंतु आरोपी बड़े शातिर तरीके से पूरे मुंह में नकाब पहनकर और सिर पे टोपा लगा करके घरों में घुसे थे। और उन फुटेज के आधार पर जब ये पुलिस टीम के द्वारा ये फुटेज सर्कुलेट किए गए, अपने मुखबिरों को सर्कुलेट किए गए, तो हमारे थाने के जो प्रधान आरक्षक शैलेंद्र राणा हैं उनके मुखबिर के द्वारा ये सूचना दी गई बाकायदे नामजद कि ये जो बदमाश हैं ये अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के जो मेंबर हैं, सिकलीगर मेंबर, जो कि आकाश नगर इंदौर के रहने वाले हैं।
उनकी पहचान की गई, जिनका नाम बताया गया कुंदन सिंह सिकलीगर, समित सिंह सिकलीगर और एक गुरदीप सिंह सिकलीगर, जिनमें से कुंदन और समित एक काफ़ी बड़ी चोरी के मामले में पलासिया थाना इंदौर में पकड़े गए थे। 14 जनवरी 2024 को एक बड़ी चोरी इन्होंने की थी और तब से ये दोनों जेल गए थे, किंतु होली के पहले कुंदन सिकलीगर छूट गया था, जेल से जमानत पर रिहा हो गया था, और समित सिकलीगर अभी 15 मई को ही छूटा था और 18 मई को इन्होंने देवास पर आकर अपनी मोटरसाइकिल से आए थे और विकास नगर ब्रिज के नीचे इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल कहीं खड़ी की। उसके बाद पैदल चल कर के इन्होंने फरियादी संदीप परमार, जो कि EWS विकास नगर में रहते हैं, उनके घर के बाहर से जो सुबह 5 बजे उनकी पल्सर मोटरसाइकिल काले रंग की लाल पट्टे वाली खड़ी थी, पहले वो चोरी करी ताला काट करके और उसके बाद उसी मोटरसाइकिल को स्टार्ट करके ये बाकी के 5-6 घरों में ये घुसे और उन घरों के जो बाहर सूने घर थे, सभी घर सूने थे, घरों में कोई भी निवास फिलहाल नहीं कर रहा था, या तो छुट्टी पे गए थे या कहीं बाहर गए हुए थे, सभी घरों के ताले लटकने वाला जो नकूचा रहता है उसमें इन्होंने टामी और पाना फंसा करके उसको फाड़ा और फिर ताले को निकाल करके और फिर घर के भीतर जो कीमती सामान था, जहाँ भी जो इन्हें मिला, सोने चांदी के आभूषण, नकदी वगैरह, और इन्होंने चोरी की है। और इन दोनों को पकड़ करके जब कड़ाई से पूछताछ की गई है, तब इनके द्वारा बताया गया है कि इनका जो तीसरा साथी अभी फ़िलहाल फरार है और इन्होंने 6 घटना स्थलों की पहचान कर ली है अभी, जिसमें से औद्योगिक थाना क्षेत्र के 4 मकान हैं और 2 मकान सिविल लाइन थाना क्षेत्र देवास के हैं। अभी सर क्या कुछ जब्ती हुआ इनसे आरोपी सर, पुलिस को कैसे, एक बड़ी चुनौती वाला माहौल था सर, कैसे पुलिस इनके पास पहुंची सर? काफ़ी चुनौती भरा टास्क था इसमें, क्योंकि दोनों ही अपराधी बड़े शातिर अंतर्राज्यीय बदमाश हैं। अभी तक कुल 15 अपराध कुंदन सिकलीगर के ऊपर दर्ज हैं, जिसमें से वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, छत्तीसगढ़, राजस्थान और इंदौर के भी जो अपराध इनके ऊपर रजिस्टर्ड हैं, बड़वा में भी अपराध रजिस्टर्ड हैं, ऐसे बहुत अधिक चोरी के और हथियार रखने के और चैन स्नैचिंग के अपराध इनके ऊपर हैं और इनको पकड़ना, खासकर इनके मोहल्ले से जाकर के पकड़ना काफ़ी कठिन कार्य था, किंतु एक सादा कपड़ों में हमने एक 5 पुलिसकर्मियों की टीम आकाश नगर इंदौर में उसी दिन से लगा के रखी थी और हमारी कोशिश थी कि घर के बाहर से इनको पकड़ा जाए। तो घर के बाहर जब ये नशा कर रहे थे सिरपुर तालाब के किनारे, उस समय इनको हमारी टीम के द्वारा पकड़ा गया और कल इनकी गिरफ्तारी करके इसको कोर्ट पेश किया गया और रिमांड के दौरान इनसे जब सभी घटना स्थलों को पहचान कराई गई, तब इन्होंने आगे आगे चल करके सभी घटना स्थलों की पहचान भी की है और इनसे पूछताछ लगातार जारी है। देवास की पुरानी चोरियों में या इनकी संलिप्तता अन्य किन अपराधों में है, उसके बारे में पूरी छानबीन की जा रही है। क्या कुछ माल जब्त हो गया सर इनसे? अभी इनसे सोने चांदी के जो आभूषण हैं वो जब्त हुए हैं, नकदी तो ये चूंकि ब्राउन शुगर का नशा करते हैं इनके द्वारा खर्च कर दिए गए हैं पैसे, सोने चांदी के आभूषण इनके पास से जब्त किए गए हैं।